निखिल भाई थोड़ा सा आप आरपीएम बताना चाहोगे क्या रहता है आरपीएम इस टाइप के नीच में? मैं बताऊं मतलब आरपीएम तो कम से कम रहता है इसमें 12 से लेकर 20 के बीच में जाता है आरपीएम, और जो एक बहुत अच्छा आरपीएम है किसी भी वीडियो के लिए। निखिल भाई जमैकन डॉलर तो नहीं बता रहे ना, यूएस डॉलर ही रहता है? यूएस डॉलर बार वो भी 12 से 20 के बीच में, कई कई वीडियो में तो 25 भी चले जाता है, 22 भी होता है, किसी में 23 भी होता है। और निखिल भाई आरपीएम की बात हो ही रही है तो थोड़ा अर्निंग पे भी आ जाते हैं कि अभी के टाइम में आप पढ़ाई के साथ साथ अपने यूएस चैनल से क्या रेवेन्यू बना रहे हो? रेवेन्यू मैं बना तो बहुत अच्छा रहा हूँ, पर मैं अभी से लो चैनल का बताता हूँ, मैं मतलब 2 से 3 लाख आराम से मैं कमा लेता हूँ, अर्निंग हो जाती है मेरी मतलब एक चैनल से, वो भी सबसे डाउन चैनल से। 2 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, हम मतलब किराए के मकान में रहते थे, पर 2 साल से मैंने खूब स्ट्रगल किया, मतलब रात रात भर मैं सोया नहीं, मतलब इसी कैटेगरी पे धीरे धीरे काम करता रहा, और आज मैंने 2 महीने पहले मेरे 90 लाख रुपीज़ का मैंने एक घर लिया है, खुद का मकान लिया है, यहाँ पे मैंने ऊपर ऑफिस खोला है अपना, मैं अभी ऑफिस पे शूट कर रहा हूँ। बाकी निखिल भाई वीडियो के एंड में हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, आपने यूएस चैनल से 1 महीने में हाईएस्ट रेवेन्यू कितना बनाया है? यूएस चैनल है कैसे, उसको क्या करना है, कैसे क्रिएट करना है, सेटिंग वगैरह के बारे में भी काफी सारे लोग सोचते हैं कि इंडिया में रह करके हम लोग यूएस चैनल कैसे रन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें कि इंडिया में रह करके कोई यूएस चैनल कैसे मैनेज कर सकता है। सबसे पहले बाकी निखिल भाई ये तो हो गई यार कॉन्टेंट की बात, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार इतने डिटेल में बताने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारे इस चैनल का सबसे ज्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हमारे साथ गेस्ट हैं ये अभी के टाइम में दोस्तों यूएस चैनल पे काम करते हैं, एंड कमाल की बात ये है कि भाई के पास मल्टीपल यानी कि कई सारे यूएस चैनल हैं जहां से भाई काफी तगड़ा रेवेन्यू भी बनाते हैं, एंड इस वीडियो के अंदर भाई का जो भी अर्निंग प्रूफ है वो तो भाई आपको दिखाएंगे ही, साथ ही में कॉन्टेंट ये कैसे बनाते हैं और यूएस चैनल पे कैसे आपको काम करना है इस वीडियो के अंदर पूरी चीजें एक्सप्लेन होगी। बाकी दोस्तों शॉकिंग वाली बात यह है कि भाई का यार एज अभी के टाइम में सिर्फ 20 साल है, ठीक है, 20 साल की एज में इतना ज्यादा तबाही मचा रहे हैं यार कि क्या ही बताएं। मैं खुद दोस्तों बहुत ज्यादा शॉक हूं कि यार इतनी कम एज में भाई को इतना सारा नॉलेज कैसे आया, एंड यार अगेन कहूंगा कि यार आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर भाई की जर्नी से लेकर के कॉन्टेंट क्रिएशन कैसे करते हैं, कैसे यूएस चैनल मैनेज वगैरह करते हैं, सब कुछ पूरी डिटेल में बातें करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ निखिल भाई हैं, एंड निखिल भाई आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू अभिषेक जी, आप कैसे हो अभिषेक जी? बढ़िया निखिल भाई, आप बताइए यार। हाँ। आप इतना ज्यादा तबाही मचा रहे यार, मैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ आपसे यार। हम भी अभिषेक जी केवल आपसे मोटिवेट होते हैं, आपके चैनल को देख के हम आज इतना आगे बढ़े हैं। अरे अरे क्या बात है निखिल भाई, सबसे पहले हम चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए आपका एक इंट्रोडक्शन हो जाए। हाँ तो मेरा नाम निखिल शर्मा है, मैं अभी एक यूएसए चैनल पे वर्क कर रहा हूँ, मेरे मल्टीपल यूएसए चैनल्स हैं और मैं उन सबको रन कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम है 8 जनों की, तो मैं उनके साथ इन चैनल्स को रन करता हूँ। ओके तो और मैं इसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं सेकंड ईयर के अंदर हूँ मैं अभी। ओके निखिल भाई यार मैं तो ये सोच में पड़ा था यार जब आपने बताया कि अभी आपकी 20 साल की एज है और यार आप सेकंड ईयर में भी के टाइम में पढ़ाई भी कर रहे हो, तो यार आप कैसे कर रहे हो ये सारी चीजें, थोड़ा सा आप अगर बताना चाहो। मतलब मैं पढ़ाई तो अभी प्राइवेट दे रहा हूँ और मतलब मैं फुल टाइम पे अभी यूट्यूब का काम कर रहा हूँ। मतलब निखिल भाई आपको कितना टाइम हो गया अभी के टाइम में यूट्यूब पे काम करते हुए? मुझे को हो गया मतलब 2 साल हो गए मेरे को, 2 साल मैंने यूएसए मतलब मेरी पहली कैटेगरी यूएसए थी। ओके मतलब मैं भी मतलब कोई यूट्यूब पे वीडियो देख के मतलब सीखा थोड़ा, मतलब 1 साल में कुछ सीखने में लगा, उसके बाद मैंने चैनल रन करा और वो ग्रो हो गया, तो बस यही है। निखिल भाई क्या है ना यार जब आपकी एज में जो लड़के रहते हैं ना वो यार थोड़ा घूमने में ज्यादा ध्यान देते हैं, और यार आपका जो माइंडसेट अगर देखा जाए तो आप सीधा आपने यूट्यूब सोचा तो यार इंडिया कॉन्टेंट का नहीं सोचा, सीधा यूएस का, तो इसके पीछे का थोड़ा स्टोरी बताना चाहेंगे कि यार यूएस चैनल का आइडिया आपको कैसे आया? मतलब मैं यूट्यूब पे ये चीज देखता था, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन ऑन यूट्यूब, मतलब मैं केवल यही देखता था पूरे दिन भर, मेरे को क्या सोशल मीडिया पे आना था क्योंकि सोशल मीडिया पे इनकम है ज्यादा, मेहनत है थोड़ी कम, स्टार्टिंग में लगती है अपन को मेहनत और बाद में बस ग्रो हो जाता है चैनल, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए मैंने मतलब ये सर्च करा था कि भाई अपना चैनल कैसे ग्रो हो, तो मेरे पास एक चैनल आया, उसके मैंने वीडियो देखी और मैंने उस चैनल पे काम करने लगा, तो उसके बाद मेरा पता नहीं धीरे धीरे चैनल ग्रो होते रहा, मैंने रेगुलर काम करता रहा और मेरा चैनल अपने आप ग्रो होता रहा। ओके तो निखिल भाई कंटेंट का अगर बात करें अभी के टाइम में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि करेंट टाइम में आपके टोटल कितने चैनल्स है, अभी कितने चैनल्स पे आपकी टीम लगी हुई है? मैं अभी मतलब 12 चैनल्स रन कर रहा हूँ जिसमें से 6 मोनेटाइज है और मतलब 6 पे मैं भी वर्क चालू कर रहा हूँ। 6 चैनल मोनेटाइज है जो कि हाँ। सारा यूएस का ही चैनल है? सारे यूएस के चैनल बना रखे मैंने।
क्या बात है यार। निखिल भाई सबसे पहले थोड़ा सा ना आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि आप उससे पहले क्या करते थे और मतलब ये YouTube चैनल का कैसे स्टार्टिंग हुआ और कितना टाइम लगा आपको ग्रो करने में यहाँ पर। मतलब सबसे पहले तो मैं 10th पास आउट हुआ, उसके बाद मैंने ITI करी। ITI में मतलब मेरी अच्छी रैंक बनी। उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन की तैयारी करी, फिर कॉम्पिटिशन मैंने पहला पेपर दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो फिर मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ। उसके बाद मैंने YouTube पे चैनल स्टार्ट किया। पहला मेरा चैनल था शॉर्ट्स का चैनल था, कोई मतलब ऐसे ही कॉपी पेस्ट वर्क का, तो वो चला नहीं। फिर मैं दिन भर दिक्कत रहता था कि भाई अपन YouTube से पैसे कैसे कमा सकते हैं, YouTube को चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो कैसे करें। तो मुझे एक चैनल पे एक वीडियो मिली, तो उस वो भी USA की चैनल था और वो USA की वीडियो थी। तो उस चैनल को देख के मैं मतलब धीरे धीरे उस चैनल पे काम करता रहा, धीरे धीरे उस पे शॉर्ट अपलोड करता रहा, लॉन्ग अपलोड करता रहा। धीरे धीरे मेरे को उस कैटेगरी में रिजल्ट मिलते रहे और वो कैटेगरी ऐसी थी मतलब वो न्यू कैटेगरी थी बिल्कुल, और मैं भी उसमें न्यू ही बंदा था। तो मतलब मैं उसमें काम करता रहा और मैं उसमें ग्रो होता रहा और आज मैं अच्छे मतलब USA चैनल चला रहा हूँ, मतलब 10 से 12 YouTube चैनल मेरे चल रहे हैं। क्या बात है यार, और इतनी कम एज में दोस्तों आप लोग ये देखिए कि ये पूरी टीम बना करके प्रॉपर काम कर रहे हैं और इनकी टीम में कई सारे लोग हैं, सबको ये पेमेंट भी कर रहे हैं। हाँ मेरे मतलब 8 लोगों की टीम है मेरी, अभी मेरे पास 8 लोग वर्क करते हैं, जिसमें एक मतलब थंबनेल बनाने वाला है, एक स्क्रिप्ट राइटर लिखने वाला है और मतलब 6 बंदे मतलब ऑफलाइन काम करते हैं मेरे पास वीडियो एडिटिंग का। निखिल भाई थोड़ा सा आप अपनी टीम के बारे में बताइए, आप पेमेंट वगैरह क्या वहाँ पर कितना खर्च करते हैं उनके ऊपर? मतलब मैं पेमेंट मतलब थंबनेल वाले को तो मैं तो कम से कम 20,000 रुपये। ओके, स्क्रिप्ट राइटर में थोड़ा ज़्यादा लगता है, मतलब 70 से 80,000 रुपये मैं स्क्रिप्ट राइटर पे मतलब खर्च करता हूँ, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट नहीं होगी तो ऑडियंस रिटेंशन अच्छा होगा और उस पर ऑडियंस अच्छे तरीके से मतलब रिटेंशन कर पाएगी। क्या बात है यार। निखिल भाई थोड़ा YouTube चैनल के बारे में बात करते हैं, जब आपने US चैनल पे काम करना शुरू किया तो लाइक आपके मतलब जो भी अगर काम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं, लाइक US चैनल है कैसे, उसको क्या करना है, कैसे क्रिएट करना है, सेटिंग वगैरह के बारे में भी काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि इंडिया में रह करके हम लोग US चैनल कैसे रन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें कि इंडिया में रह करके कोई US चैनल कैसे मैनेज कर सकता है। सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट चैनल क्रिएट किया, वो भी USA वाला, तो उसको क्रिएट करते ही मेरे मतलब व्यूज अच्छे आने लग गए मतलब शॉर्ट्स पे स्टार्टिंग से ही। तो फिर धीरे धीरे उस पर मैंने मतलब 150 वीडियोस अपलोड करी और उसके बाद मेरे मतलब 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। फिर मतलब मेरे को मोटिवेशन मिली, फिर मैंने धीरे धीरे एक एक मिनट की मतलब लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना चालू कर दी। तो लॉन्ग वीडियोस अपलोड करने के बाद मेरा मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने जैसे ही 2 महीने वीडियोस अपलोड रेगुलर करता रहा तो मेरी इनकम अच्छी आती रही, पर उसके बाद मेरे चैनल पे रियूज कंटेंट आ गया तो मतलब मैं फिर दोबारा मतलब डिमोटिवेट हो गया। उसके बाद मतलब मोटिवेट होने में बहुत टाइम लगा। फिर मेरा एक फ्रेंड था मतलब महाराष्ट्र का, जो भी इसी कैटेगरी से था, तो उसने मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सपोर्ट किया। तो मतलब उसने मुझे सपोर्ट किया, मतलब मेरी कम्युनिटी मतलब पोस्ट डाल दी, तो मतलब उससे मेरे को दोबारा मोटिवेशन मिला, मेरा चैनल दोबारा ग्रो होता रहा। फिर मैंने दोबारा एक चैनल बनाया, उसमें मतलब मैंने शॉर्ट से मतलब 1,00,000 सब्सक्राइबर कर लिए। उसके बाद लोग डालने लगा, वो भी मेरा चैनल 3 महीने ही चला, उस पर मैंने 3 महीने में मतलब 3,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे। पर 3,00,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के बाद मेरे चैनल पर दोबारा रियूज कॉन्टेंट की मतलब आ गया, तो उस वक्त मैं दोबारा डिमोटिवेटिव हो गया। फिर मैंने उस रियूज कॉन्टेंट को देखा कि ये मेरे बार बार किस वजह से आ रहा है, तो मैंने मतलब ये गौर किया कि वो रियूज कंटेंट स्क्रिप्ट राइटर मतलब स्क्रिप्ट की वजह से आ रहा था, दूसरों की स्क्रिप्ट उठाता था मैं और उससे कॉपी पेस्ट करके मैं अपलोड करता था। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं दूसरे की स्क्रिप्ट कॉपी कर रहा हूँ, तो मतलब रियूज कंटेंट तो आना ही था, मतलब सब्सक्राइबर तो बढ़ गए थे, वीडियोस भी अपलोड कर रहा था, पर वो स्क्रिप्ट की वजह से रियूज कंटेंट आता रहा। पर रियूज कंटेंट आने के बाद फिर मैंने मतलब जो मेरी इनकम आई थी 2 महीने की, उसी से मैंने अपना एक स्क्रिप्ट राइटर मतलब हायर किया, और मैं स्क्रिप्ट राइटर हायर करने के बाद मुझे डेली न्यू स्क्रिप्ट आती रहती है, अब मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अब मुझे अभी हो गया मतलब 1.5 साल हो गया लगभग, उस 1.5 साल में मेरी एक बार भी रियूज कंटेंट नहीं आया और मेरे USA चैनल से बहुत अच्छी इनकम हो रही है अभी इस वक्त। क्या बात है निखिल भाई, थोड़ा सा आप अपना फर्स्ट पेमेंट का बताना चाहेंगे कि आपका जो फर्स्ट पेमेंट आया था US चैनल से वो कितना आया था? वो तो मेरा मतलब बहुत ही अच्छा आया था, मतलब अप्रोक्स 80K to 90K आए थे मेरे INR। अच्छा INR स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट मंथ ही हम YouTube से फर्स्ट पेमेंट मेरी वही आई थी। यार हम लोग सोच रहे थे कि डॉलर डॉलर वो क्या मैंने पहला चैनल था तो उसमें मैं डालता था शॉर्ट वीडियोस, मतलब 1 मिनट की डाल दी, 2 मिनट की डाल दी, पर अब मैं जो वीडियो डालता हूँ वो मैं डालता हूँ 3 घंटे की, 3.5 घंटे की, तो उसी हिसाब से उसकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है। ओके,
अच्छा निखिल भाई, जब आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था यूएस चैनल पे काम करना, तो कंटेंट वगैरह आप कहाँ से लेकर के आते थे, कैसे मतलब फाइंड करते थे, और क्या प्रोसेस रहता था आपका कंटेंट रिसर्च का? कंटेंट में वो धीरे धीरे कॉपी पेस्ट वाला वर्क करता था, मतलब पिंटरेस्ट से मैंने इमेजेस उठाली और मैंने टेक्स्ट टू स्पीच से ऑडियो निकाली, कंटेंट किसी का कॉपी कर लिया, तो मैं इसी तरीके से अपनी वीडियो बनाता था। वो भी स्टार्टिंग में मैं काइनमास्टर से बनाता था, पर अब मैंने अपग्रेड करके मैं अब कैपकट से वीडियो बनाता हूँ। ओके अच्छा निखिल भाई, थोड़ा सा आपके चैनल के बारे में बात करते हैं। काफी लोग तो ये सोच रहे होंगे कि आप अपना फेस वाला वीडियो बनाते हो, थोड़ा सा चैनल के बारे में बताइए कि किस टॉपिक पे रहता है या फिर किस नीच में है। यहाँ पर चैनल तो निखिल भाई शेयर नहीं करेंगे दोस्तों, यार आपको भी पता है चीजें कॉपी पेस्ट होना शुरू हो जाती है, बट आपको आइडिया जरूर से देंगे निखिल भाई, जिससे कि यार आप लोग भी अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं मेरे बिल्कुल भी फेस की वीडियो डालता, मैं उन्हें टेक्स्ट टू स्पीच करके वीडियोस डालता हूँ, और मेरी कैटेगरी है स्पिरिचुअल कैटेगरी। अगर आपको मेरी कैटेगरी जाननी है, अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया तो मैं और अभिषेक जी एक ऑफलाइन वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं अपने सभी चैनल को रिवील करूंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरी सभी चैनल पे कितनी इनकम हो रही है, और आप देख के बहुत हैरान हो जाओगे, वो भी यूएसए कैटेगरी से, मेरा आरपीएम भी बहुत ज्यादा है। क्या बात है दोस्तों, यार लाइक कर देना, निखिल भाई ने देखो इतना कह दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि निखिल भाई यार हमारे एक दोस्त ही हैं, ठीक है, भाई से काफ़ी टाइम से बात होती है, काफ़ी टाइम से हम दोनों कांटेक्ट में, एंड भाई राजस्थान से, तो यार कभी उधर जाना हुआ तो भाई नेक्स्ट मंथ तक हो सकता है कि निखिल भाई के साथ आपको एक और धमाकेदार वीडियो देखने को मिले। हालांकि निखिल भाई अभी अपना कोई चैनल तो रिवील नहीं करेंगे, इन्होंने अपना कंटेंट का जो नीच है, कैटेगरी है, वो रिवील कर दिया है। अभिषेक जी अब आना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया तो आपको जरूर आना पड़ेगा, और मेरे साथ एक ऑफलाइन वीडियो जरूर शूट करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल निखिल भाई यार, बिल्कुल आएंगे आपके पास, ठीक है। हाँ। एंड दोस्तों यार लाइक करो दबा करके, एंड कमेंट करो भाई, जितना ज्यादा लाइक एंड कमेंट आएगा उतना जल्दी मैं जाऊंगा निखिल भाई के पास, एंड धमाकेदार एक वीडियो करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर कंटेंट के बारे में बात करें तो निखिल भाई स्पिरिचुअल वाले चैनल को मैनेज करते हैं, रन करते हैं, जो कि यार आपको पता है कि जो भी स्पिरिचुअल टाइप के चैनल होते हैं ना, वो यूएस के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा देखना पसंद करते हैं, उधर के लोग जो गॉड है ना उनमें काफी ज्यादा बिलीव करते हैं, एंड उस टाइप के कॉन्टेंट को कंज्यूम करना भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताऊँ, जितना फाइनेंस वीडियो से इनकम नहीं होती, उससे डबल इस स्पिरिचुअल कैटेगरी से इनकम होती है, वो भी यूएसए कैटेगरी के अंदर। निखिल भाई थोड़ा सा आप आरपीएम बताना चाहोगे, क्या रहता है आरपीएम इस टाइप के नीच में? मैं बताऊं, मतलब आरपीएम तो कम से कम रहता है इसमें 12 से लेकर 20 के बीच में जाता है आरपीएम, और जो एक बहुत अच्छा आरपीएम है किसी भी वीडियो के लिए। निखिल भाई जमैकन डॉलर तो नहीं बता रहे ना, यूएस डॉलर ही रहता है? यूएस डॉलर बार, वो भी 12 से 20 के बीच में, कई कई वीडियो में तो 25 भी चले जाता है, 22 भी होता है किसी में 23 भी होता है। निखिल भाई आप इसको थोड़ा लाइव दिखाना, मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा, क्योंकि क्या है ना ऐसे सुन के बिलीव नहीं होता है कि यार इतना ज्यादा मतलब आरपीएम कैसे मिल सकता है किसी चैनल पे। हाँ मैं आपको जरूर दिखाऊंगा आरपीएम, क्या मैं आपको स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा, आप अपने व्यूअर्स को दिखा देना अपनी वीडियो के माध्यम से, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। बिल्कुल, और निखिल भाई आरपीएम की बात हो ही रही है तो थोड़ा अर्निंग पे भी आ जाते हैं कि अभी के टाइम में आप पढ़ाई के साथ साथ अपने यूएस चैनल से क्या रेवेन्यू बना रहे हो? रेवेन्यू मैं बना तो बहुत अच्छा रहा हूँ, पर मैं अभी से लो चैनल का बताता हूँ, मैं मतलब 2 से 3 लाख आराम से मैं कमा लेता हूँ, अर्निंग हो जाती है मेरी मतलब एक चैनल से, वो भी सबसे टाउन चैनल से। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको लाइव भी दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह ऐड कर दूंगा, भाई ने पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से यूएस करेंसी सेलेक्ट करके आपको पूरा ट्रांसपेरेंट से भाई ने दिया है यार, तो आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। एंड ये दोस्तों पावर है एक यूएस चैनल का, आप में से काफी सारे लोग यार सोचते हो कि यार हम इंडियन कॉन्टेंट पे काम करें, बट इंडियन कॉन्टेंट में क्या है ना कि यार आरपीएम उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर अगर आपके वीडियोस पे थोड़े ज्यादा व्यूज आएंगे तभी आप लोग अच्छा रेवेन्यू कर पाओगे, बट यूएस चैनल में क्या है कि अगर आपके थोड़े बहुत भी व्यूज आते हैं तो आप लोग वहां से काफी अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो। हालांकि दोस्तों हमारे पिछली वाली 2-3 वीडियो जो हमने यूएस कॉन्टेंट के ऊपर डाला, यूएस चैनल के ऊपर, उसमें आपके बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि यार इसका कोई पॉडकास्ट लेकर के आओ, या फिर हमें कुछ ऐसा बताओ, ऐसा नीच बताओ जिसमें हम लोग भी काम करें, तो निखिल भाई आज आपको बताएंगे। निखिल भाई अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे ना कि कंटेंट क्या प्रोसेस रहता है आपका बनाने का, और कौन कौन से टूल आप यूज करते हो? हाँ तो सबसे पहले हम स्पिरिचुअल जो हमारा कंटेंट है उसकी हम इमेजेस सेलेक्ट करते हैं, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म से, ऐप से हम उस इमेजेस को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम अपने स्क्रिप्ट राइटर से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, वो भी हमारी स्क्रिप्ट होती है कम से कम 2 से 3 घंटे की, और हमें एक वीडियो बनाने में कम से कम 2 दिन लगते हैं, मतलब 1-3 घंटे की वीडियो मतलब एडिटिंग करने में, बनाने में, वो हमें 3 मतलब 2 दिन लगते हैं, और मतलब वो 3 घंटे की वीडियो रहती है।
निखिल भाई, अगर वॉइस ओवर की बात करें तो वॉइस के लिए आप खुद करवाते हो वॉइस, या वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपने हायर किया है, या एआई के थ्रू करते हो आप? वॉइस का मैंने आर्टिस्ट हायर कर रखा है, मतलब उनको मतलब पेंट देता रहता हूँ मैं मंथली, तो वो हमारे साथ काम करते हैं, वो भी हमारी एक टीम के मेंबर ही है, मतलब वो यहाँ के नहीं है, वो भी महाराष्ट्र के, वो हमें वॉइस ओवर भेजते हैं, फिर हम एडिटिंग करके उसको अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ओके, और निखिल भाई अगर देखा जाए, जब आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो पहले दिन से आपने तो यार ये सारी चीज़ें हायर नहीं की होंगी, लाइक आपने अकेले स्टार्ट किया हुआ है ना? हाँ जी। तो उस टाइम आपका क्या प्रोसेस रहता था, और मान लीजिए अगर कोई बंदा स्टार्ट करने का सोच रहा है तो उसको आप क्या टिप देना चाहोगे, कैसे वो स्टार्ट कर सकता है? मतलब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था, मतलब वही नॉर्मल तरीके से कॉपी पेस्ट वर्क करता था मैं, ऑडियो में निकाला था, मतलब TTS फ्री वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, इससे आप मतलब 60 सेकंड की 1 मिनट की मतलब टेक्स्ट टू स्पीच आप निकाल सकते हो, तो उससे मैं अपने शॉर्ट क्रिएट करता था, उससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, फिर मैंने लॉन्ग वीडियो पे काम करा, फिर मैंने पेड मतलब वो ले लिया किसी का प्रीमियम, और मैं फिर उस प्रीमियम से मतलब अपने लॉन्ग वीडियोस को क्रिएट करता रहा और आज मेरे मतलब चैनल चल रहे सारे। क्या बात है यार। एंड गाइस, जो भी भाई के टूल वगैरह भाई ने बताए, हो सके तो मैं अपने टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। काफी सारे आज के टाइम ऐसे AI टूल भी आ चुके हैं जिससे कि आप अपना वॉइस ओवर भी करवा सकते हो, एंड उन सभी के लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा निखिल भाई, अगर हम लोग US चैनल के लिए AI का हेल्प लेते हैं, AI से थोड़ा वॉइस वगैरह करवाते हैं, तो क्या वो चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा? बिल्कुल आपका चैनल मोनेटाइज होगा, मतलब आपको उसमें कुछ ना कुछ कंटेंट देना चाहिए, चाहे आपका उसमें फेस रहना चाहिए, फेस नहीं तो आपकी ऑडियो रहनी चाहिए, ऑडियो नहीं तो आपकी स्क्रिप्ट रहनी चाहिए, हमारे इसमें कुछ ही नहीं है, मैं ओनली अपनी स्क्रिप्ट निकालता हूँ और स्क्रिप्ट को मैं शो करता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, जिस वजह से अभी तक मेरे ना कोई यूज कंटेंट आया है। पहले जरूर मेरे यूज कंटेंट आता था, वो भी मेरी स्क्रिप्ट की वजह से आता था, पर अभी मेरे 1.5 साल हो गए, मेरे 1.5 साल पर ना कोई अभी तक यूज कंटेंट आया है, ना भी कोई मेरे को प्रॉब्लम आई है अपने यूट्यूब चैनल पर, और वो भी मेरे 12 चैनल पर किसी पर मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ओके, अच्छा निखिल भाई, ये तो होगी कंटेंट की बात है, ठीक है, लोग तो कंटेंट यार बना लेते हैं, बट उसको वायरल कैसे करना है यूट्यूब पे, वो भी बाहर की जो भी ऑडियंस है, US की ऑडियंस को अपने चैनल पे कैसे लेकर के आना है, एंड आपके क्या स्टेप्स होते थे जब आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था? मैंने मेरी ये ट्रिक थी कि मैं पहले शॉर्ट्स अपलोड करके अपनी ऑडियंस को अपने चैनल पे लाऊं, मैंने मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर तक शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स अपलोड करे, उसके बाद मेरे को रीच अच्छी मिल गई, तो मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। उस 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मैंने मान लो 3 वीडियो अपलोड करी, वो भी 1-1 मिनट की, और मैं थर्ड वीडियो तो 55,000 चली गई, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और मैं हर सभी चैनल पर ये ट्रिक अपलोड करता हूँ। अभी मेरे पास कम से कम 6 से ज़्यादा तो सिल्वर प्ले बटन है और 1 गोल्डन प्ले बटन मेरे पास आ चुका है अभी तक। बिल्कुल, एंड इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपके लिए यार, आप इस एज में इतना ज़्यादा तबाही मचा रहे हो कि यार इसका कोई मतलब कोई वर्ड नहीं है इसके लिए, अगर सही कहा जाए तो। धन्यवाद आपका। बाकी निखिल भाई, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो US चैनल पे यार काफी दिन से लगे हुए हैं बट ग्रो नहीं कर पा रहे? काफी सारे लोग ऐसे परेशान भी रहते हैं कि यार इतना टाइम हो गया हम कर रहे हैं बट वीडियोस वायरल नहीं हो रही है। मैं ये बताता हूँ कि आप सबसे पहले शॉर्ट अपलोड करो अपने चैनल पे, ताकि थोड़ी USA की एक बार ऑडियंस आ गई ना वो शॉर्ट के मतलब थ्रू, उसके बाद आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करो, ताकि आपके शॉर्ट के बजाय लॉन्ग वीडियो भी धीरे धीरे वायरल होते रहे, और जो आपका लॉन्ग वीडियो का लिंक है वो आप शॉर्ट में आप पिन कर सकते हो, ताकि जो भी शॉर्ट देखे वो कमेंट कुछ ना कुछ टाइप करेगा और उस लिंक के थ्रू आपकी वो लॉन्ग वीडियो पे बिल्कुल जाएगा, और उस लॉन्ग वीडियो पे मतलब वॉच टाइमिंग भी आपका कंप्लीट होगा और व्यूज भी आपके काउंट होंगे, तो उससे भी आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हो। क्या बात है गाइस, इस बात के लिए लाइक बनता है, काफी ज्यादा कमाल का ट्रिक बताया भाई ने, इसको आप ट्रिक कहो या फिर टिप कहो भाई, ये चीजें वर्क करेंगी अगर आप लोग भी अपने चैनल पे अप्लाई करती हो तो। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसी से मेरे चैनल धीरे धीरे ग्रो हुए, और ये ट्रिक आप सभी को बताइए ताकि वो भी अपना चैनल धीरे धीरे ग्रो कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है यार। बाकी निखिल भाई, काफी सारे लोग ऐसे सोच में पड़े रहते हैं कि यार US चैनल के वो रन करने के लिए या फिर US की ऑडियंस को लाने के लिए हमारे चैनल पे कुछ सेटिंग्स भी करना पड़ता है क्या? सेटिंग जरूर करनी पड़ती है आप मतलब बायस ट्यूब में, उसी तरीके के आपको टैग डालने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टैग डालने पड़ते हैं, वो भी USA वाले स्पेशल कैटेगरी वाले, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो भी अभिषेक जी के टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने इस वाली वीडियो में आपको बताया था बिल्कुल स्क्रैच से कि आप लोग अपना एक US चैनल कैसे बना सकते हो, तो इस वीडियो को भाई आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी निखिल भाई, ये तो हो गई यार कॉन्टेंट की बातें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार इतने डिटेल में बताने के लिए। निखिल भाई, अब आपके बारे में थोड़ी सी हम बातें करते हैं, अभी के टाइम में आप इतना अच्छा कर रहे हो और जिस एज में हो यार, वो तो मैं बार बार तारीफ करना चाहूंगा कि यार बहुत तगड़ा तबाही मचा रहे हो आप, तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है निखिल भाई, फैमिली वाले क्या कहते हैं अभी के टाइम में? फैमिली का रिएक्शन है, मतलब 2 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था,
हम मतलब किराए के मकान में रहते थे, पर दो साल से मैंने खूब स्ट्रगल किया, मतलब रात रात भर मैं सोया नहीं, मतलब इसी कैटेगरी पे धीरे धीरे काम करता रहा। और आज मैंने 2 महीने पहले मेरे 90 लाख रुपीज़ का मैंने एक घर लिया है, खुद का मकान लिया है। यहाँ पे मैंने ऊपर ऑफिस खोला है अपना, मैं अभी ऑफिस पे शूट कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मैं अपना ऑफिस भी आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखना चाहेंगे। एंड इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। ओके, और अगर निखिल भाई कुछ लग्जरी की बात करें, जो आपके ड्रीम्स थे, जो आपने एक टाइम देखे होंगे कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, आज के टाइम में उनमें से कितनी चीज़ों को आपने अचीव कर लिया है? मतलब अभी मैंने 2 महीने पहले मैंने अपना मकान लिया है, मतलब 90 लाख रुपये का। उसके बाद मैंने खूब ज़मीनें में इन्वेस्ट कर रखा है, और भी बहुत चीज़ें मैंने कर रखी है। 10 फ़ोन है मेरे पास जिनमें वीडियो एडिटिंग चलती है, एक लैपटॉप है, और भी डैप भी है, बहुत चीज़ें मेरे पास। उनमें मैं धीरे धीरे मतलब ग्रो करता हूँ, और वो आप सभी के पास भी आ सकते हैं अगर आप भी रेगुलर मेहनत करें, अपने चैनल को धीरे धीरे ग्रो करें। और इस बात का मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने भी मेहनत करी है, मैं भी ग्रो हुआ हूँ। वैसे ही आप भी मेहनत कर सकते हैं और आप भी धीरे धीरे ग्रो हो सकते हैं। बिल्कुल। और निखिल भाई उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उन जनरेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे, चूंकि यार अभी के टाइम में पढ़ाई भी कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी पढ़ाई के साथ ये सारी चीजें स्टार्ट की? मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग शॉर्ट से करें, ताकि धीरे धीरे आपको थोड़ा ग्रो होता रहे आपका चैनल, ऑडियंस आपके चैनल पे आते रहे, वो भी यूएसए वाली, क्योंकि यूएसए वाली ऑडियंस को लाना बहुत मतलब भारी पड़ता है किसी भी चैनल के लिए। तो पहले आप शॉर्ट्स डालें और शॉर्ट्स से ऑडियंस को अपना अपने चैनल पे लाएं, और धीरे धीरे आप 1 लाख सब्सक्राइबर, मतलब मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद ही अपने चैनल पे लॉन्ग वीडियो डालूं, और उससे मेरा चैनल ग्रो होता था। और आप ये भी कर सकते हैं, या आप स्टार्टिंग से लॉन्ग डाल सकते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से लॉन्ग डालेंगे तो आपको मतलब बहुत टाइम का वेट करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 महीने। और आप शॉर्ट डालते हैं और आपके 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आपको लॉग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 2 से 3 वीडियो आप डालना, आपके आराम से चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। पर एक ही चीज़ है इसके अंदर, आपको स्क्रिप्ट खुद की रखनी पड़ेगी, चाहे आपको किसी भी वेबसाइट से आपको खोजना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मतलब कुछ सस्ता सा स्क्रिप्ट राइटर आपको ढूंढ लेता है, और उससे धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो करना है। क्या बात है दोस्तों, निखिल भाई ने यार जो भी चीजें बताई उसको यार आप लोग अप्लाई करो यार, रिजल्ट्स नहीं मिलेगा तो आगे इस वीडियो पे भाई कमेंट कर देना, ठीक है? बाकी निखिल भाई वीडियो के एंड में हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, आपने यूएस चैनल से 1 महीने में हाईएस्ट रेवेन्यू कितना बनाया है? ये तो मैं आपको ऑफलाइन इंटरव्यू में बताऊंगा, और उसमें मैं अपने सभी चैनल की अर्निंग आपको मतलब मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, मैं आज तक कितने मतलब चैनल से कितनी अर्निंग कर चुका हूँ, वो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा और आपकी ऑडियंस को भी शो करूंगा मैं वो चीज। बिल्कुल, इसके लिए निखिल भाई शुक्रिया यार। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यार ऑफलाइन में जब हम भाई के साथ शूट करेंगे तो वो वीडियो यार जरूर से आप लोग देखना, काफी ज्यादा धमाकेदार होगा, एंड भाई का पूरा डैशबोर्ड खोल करके आपको लाइव दिखा देंगे। बाकी निखिल भाई यार काफी ज्यादा मजा आया आपसे बातें करके, यार मजा आ गया, सच कह रहे हैं बहुत ज्यादा मजा आया इस वीडियो में। मुझे भी अभिषेक जी आपके साथ बहुत मजा आया, पूरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा रहा, धमाकेदार रहा। बस इस वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स आते ही अपन ऑफलाइन वीडियो जरूर शूट करेंगे, वो भी मतलब मेरे पूरे चैनल का डैशबोर्ड दिखाएंगे अपन, कितनी मेरी अर्निंग हो चुकी है, मेरे कितने चैनल है, कितने मैं अभी चैनल पे रन कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम से मिलाऊंगा आपको, सब चीज मैं आपको पूरा बताऊंगा। दबा के लाइक करिए दोस्तों, एंड जो भी भाई ने अभी के टाइम में तबाही मचाया सब कुछ आपके साथ दिखाएंगे, ठीक है? काफी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? बाकी दोस्तों वीडियो के एंड में यार आपसे यही कहूंगा कि आप लोग हमारा ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप लोग अपना एक यूएस चैनल कैसे बना सकते हो, साथ ही में इस वाली वीडियो के अंदर हमने 5 आपको कमाल के यूएस चैनल के आइडियाज के बारे में बताया, नीश के बारे में बताया जिसपे आप लोग अपना यूएस चैनल स्टार्ट कर सकते हो, तो इन वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। वीडियो में अगर मजा हो तो लाइक जरूर से करके जाना, चैनल पे नए और सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।